नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ठंडी के मौसम में लौकी को कैसे उगाएं। ठंडी के मौसम जब स्टार्ट होता है तो उस समय लौकी अगर आप बोते हैं तो जल्दी उगती नहीं है, यानी जमती नहीं है। बीज अगर आप बो देंगे तो उगेगी नहीं वो, तो उसको कैसे उगाना है। और जैसे ठंडी खत्म होती है उसको आप लगा देंगे और गर्मी स्टार्ट होते ही आपको लौकी मिलने लगेगी। चलिए आपको बताते हैं कैसे उसको उगाना है। तो दोस्तों लौकी के पौधों को उगाने के लिए देखिए, सबसे पहले मिट्टी को हम तैयार कर लेंगे। मिट्टी में हम खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में मिला लेंगे। तो खाद में देखिए, गोबर की खाद को हम आधा मिला लिए हैं और आधा मिट्टी मिला लिए हैं। आप चाहें तो जैविक खाद जैसे केचुए की खाद होगी, जिसको बर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, वो भी मिला सकते हैं। उसको बराबर से मिला लें, ये देखिए उसको बिल्कुल बारीक कर लें। इसमें ढेले रह जाने पर बीज ढंग से उगता नहीं है, उसमें जो है कुछ बीज खराब भी हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है नर्सरी ट्रे। ये नर्सरी ट्रे आपको मार्केट में भी मिल जाता है, खाद बीज की दुकान पे, और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इसमें देखिए जो हमने मिश्रण तैयार किया था खाद और मिट्टी का, उसको हम इसमें आधा आधा भर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें हम आधा ही भर रहे हैं, पूरा पहले नहीं भरना है, इसमें आधा भर देना है। जिसमें जो गड्ढे बने हुए हैं सांचे, उसमें आधा भर देना है। आधा भरने के बाद में ये देखिए जो ये लौकी के बीज हैं, इसको हमने अंकुरित कर लिया था पहले से, जो है पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद में इसको हम बोरे में लपेट के, और जहाँ पे ये हमारी खाद रखी होती है यानी जो घूर बना होता है, वहाँ पे हमने इसको दबा दिए थे और ये इसमें जो है अंकुरण हो गया था, इसको बो दिए हैं। अब देखिए जो आधा भाग बचा हुआ था बीज डालने के बाद में, उसमें आधा भाग ये भी भर देंगे। यही जो मिश्रण हमारा है खाद और मिट्टी का, आधा बराबर भाग में इसको हम डाल देंगे। और देखिए इसको हमने भर दिया है, अच्छे से इसको भर देंगे और इसको दबा भी देंगे, क्योंकि दबाएंगे नहीं तो फिर उसमें बीच में खाली गैप रहेगा। इसको अच्छे से दबा देना है और ऊपर से पानी का छिड़काव भी करना है। पानी भरना नहीं है, पानी का छिड़काव भी समय समय पर करते रहना पड़ेगा, तभी अच्छे से उगेगी। क्योंकि ये जो बोई जा रही है, ये ठंड का मौसम चल रहा है इस समय, इसलिए इसको उगने में दिक्कत होती है। अब देखिए ये दूसरे दिन का है, इसको हम थोड़ा उसको खोद के देख रहे हैं कि उग रही है कि पौधे जो है ख़राब तो नहीं हो रहे हैं इसके बीज। तो देखिए ये हम खोदे हैं और खोदने के बाद देखिए यहाँ, ये देखिए इसमें जड़ निकल आई है, आप देख सकते हैं जड़ निकल आई है। इसको हम अब इसको बोरे से ढक देंगे। पानी डालने के बाद में इसके ऊपर भी जो है बोरे को नम कर देना है, पानी का छिड़काव इस पर कर देना है। पानी डालना नहीं है, डायरेक्ट मग्घे से नहीं डालना, इस पर छिड़काव कर देना है ताकि इसमें नमी बनी रहे। अब देखिए हम दूसरे दिन देख रहे हैं, ये देखिए इसमें अंकुरण हो गया है, इसमें जो पत्ती निकलती है ये निकलने वाली है, देखिए पौधे इसके बाहर निकल रहे हैं। और दोस्तों इसको जो हम बोते हैं तो इसका बहुत लोग वैरायटी पूछ रहे थे कौन सी वैरायटी है, तो वैरायटी में ये हम लोग BNR कंपनी का लाते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं लेकिन BNR का बोते हैं, इसलिए BNR का जो है कुछ समझ में आता है। और ये ठंड के मौसम में बो रहे हैं इसलिए इसमें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। डेली इसको चेक करना पड़ेगा और डेली इसको जो है पानी देना पड़ेगा। अगर नमी ज़रा सा भी कम होगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ये भी देखिए निकल रहे हैं, धीरे धीरे इसमें सब निकलने लगे हैं। अब देखिए धूप इसमें पड़ रही है, जब धूप आएगी तो बोरे को हम हटा देंगे। बोरे को हटाने के बाद में उसके बाद में देखिए उसको खोल देंगे, इसमें धूप इसमें अच्छी तरीके से मिलती रहे। ठंड के समय में इसको धूप की ज़रूरत होती है। अब देखिए इसमें हमने पौधे को लगा दिया है, देखिए ये दो पत्तियां इसकी निकल आई हैं। ये हमने बनाया है पॉली हाउस, घर पे ही बना लिया है हमने इसको लकड़ी से, और इसमें लकड़ी लगी हुई है और पॉलीथीन से हमने इसको ढक दिया है। नॉर्मल पॉलीथीन जो आती है मार्केट में, उसी को हमने इस पर लगा दिया है और इसको अच्छे से ढक देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है डायरेक्ट इस पर जो है ओस नहीं गिरेगा, उस जो पाला गिरता है पाला का असर नहीं होगा। ये जो लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी बांस की हमने बनाया था, डंठल बांस के जो होते हैं उसी से हमने बना दिया है। काम चलाऊँ ही बनाया है, क्योंकि इसके लिए तो जो पाली हाउस बड़े बड़े बनते हैं उसमें तो बहुत सारा खर्चा लगता है, तो हमने ऐसे ही काम चलाऊँ बना दिया है। इसमें पौधे हमारे ख़राब नहीं होंगे, ना इसमें बाहर की हवा लगेगी, और जो धूप ऊपर से पड़ेगी वो सीधे इसमें डायरेक्ट चली जाएगी और वापस नहीं जा पाएगी। जो गर्मी है इसमें गर्मी बनी रहेगी। आप देख रहे हैं सामने, ये सूरज की रोशनी जब आती है तो इसमें डायरेक्ट चली जाती है और इसमें
परावर्तित नहीं होगी, जो सूरज की रोशनी है डायरेक्ट चली जाएगी उसके अंदर और उसके वापस वो परावर्तित नहीं हो पाती है, तो इसी में गर्मी बनी रहती है। तो इसमें इसका जो टेम्परेचर अंदर का रहेगा वो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ये जल्दी उगेगी। और इसमें ये लगाने से हमारे बहुत फ़ायदे हैं, ये जो पॉलीथीन लगा दे रहे हैं इससे कई सारे फ़ायदे हैं। इसमें जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो जल्दी नहीं लगेंगे और जल्दी बीमारी जो कीड़ों से जनित बीमारी होती है वो नहीं होगी। जैसे कीड़े खा लेते हैं तो उसमें बीमारी लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो फिर वो पौधे ख़राब हो जाते हैं और उसके साथ में जो संपर्क में आते हैं वो भी बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो वो सारे पौधे ख़राब नहीं होंगे, ये हमारी जो लौकी के पौधे हैं ये समय से पहले ही उग जाएंगे। जो इसका समय है जैसे ठंडी में जो जमने का समय होता है वो फरवरी मार्च के बाद में ही, अगर लौकी आप बो रहे हैं तो उसी उसके बाद में ही उगती है, जल्दी नहीं निकल पाती है। तो ये समय जो उसका समय है उससे पहले ही तैयार हो जाएगी इसके पौधे और लौकी आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगी। अभी देखिए पौधे निकल आए हैं इसके, अभी निकल रहे हैं और बहुत सारे पौधे निकल आए हैं। और इन पौधों को इसमें आप पॉलीथीन में चारों तरफ से ढके हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना इसका कोई कलर चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है। अब ये देखिए इसको हम दिन में थोड़ा हटा दिए थे, इसको जो है बाहर की रोशनी भी थोड़ा मिल जाए। हालांकि इसमें रोशनी ऊपर से आती है, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुई है तो इसमें रोशनी आती है। अब देख रहे हैं ये भी पौधे भी निकल रहे हैं। इसमें देखिए ये दो जो दो दल निकले थे उसके बीच में दो पत्तियाँ भी निकलने लगी है। ये कई दिन का वीडियो है, हमने जो है लगा डेली का वीडियो हम इसका रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें जो जम रहे हैं ये कई दिन का वीडियो है। ये सारे पौधे जब निकल के तैयार हो जाएंगे तभी इसका वीडियो आपको मिलेगा, और जब इस पौधों को जब खेत में लगाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे कैसे हमने लगाया और कैसे तैयार किया। ये सारे वीडियो आपको मिलेगा, जब लौकी तैयार होगी तब भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए हमें जो सामने आप देख रहे हैं ये पाली हाउस, ये काम चलाऊ पाली हाउस है, ये काम चलाऊ पाली हाउस है। इसको इस पर जब धूप कम होगी तो इसको रख देंगे और ठंड के समय में तो इसको खोलना ही नहीं है। जब ठंड होने लगेगी पूरे दिन तब इसको खोलना नहीं है। अभी तो अच्छी खासी धूप हो रही है, दिसंबर का समय चल रहा है तो अभी अच्छी धूप हो रही है। अब देखिए इसको हम उसके ऊपर से रख दे रहे हैं, इसको रख देंगे ताकि जो है इसको थोड़ा सा जो है टेम्परेचर इसको मिलने लगे, क्योंकि ठंड अच्छा होने लगा है और ठंड के मौसम में ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसको आप खेत में डायरेक्ट लगा देंगे तो बचा नहीं पाएंगे। हमने खेत में कुछ पौधे बोए थे उसको हम आपको नहीं दिखाए हैं अभी, क्योंकि उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था तो इसीलिए हम नहीं दिखाए हैं। वो पौधे जो लगे हैं खेत में और ये पौधों में बहुत सारा अंतर है। देखिए अगर आप देखेंगे तो खुद ही देखेंगे कि हाँ इसमें अंतर बहुत नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो खेत में लगा रखे हैं वो ऐसे का पीला पीला पेड़ पौधे जो है लगे हैं, उसमें आगे की पत्तियाँ नहीं निकली हैं क्योंकि ठंड का समय स्टार्ट हो गया है तो पत्तियाँ उसमें नहीं निकली हैं। और इसमें आप देख रहे हैं दो दो पत्तियाँ जो है लास्ट में हमने शूट किया है वीडियो को, तो दो दो पत्तियाँ उसमें निकल आई हैं और जो है पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं ये पत्ती निकल आई है और ये सुबह का ही वीडियो है, तो देखिए पत्ती इसमें आपको दिख रहा है, ये दो दल के बीच में जो पत्ती है पत्ती ही निकल रही है। और ये लौकी जो है आपको बहुत जो है अच्छे से तैयार होगी, इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। देखिए इसमें अभी इन पत्तियों को अगर इन पौधों को अगर खेत में बोएंगे तो इसमें देखिए कीड़े मकोड़े ना जाने क्या क्या बीमारी और पता नहीं क्या क्या हो, दवा डालो इसमें। अब अभी तक हमें कुछ नहीं डाले हैं, ना कोई दवा डाले हैं ना कोई जो है अलग से खाद डाले हैं, और यही से जो है ऐसे ही जो है हो रहा है तैयार हो रहा है। इसमें सिर्फ पानी ही डालते हैं, डेली पानी का छिड़काव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें नमी बराबर बनी हुई है। और कुछ पौधे देखिए आप इधर निकल रहे हैं और कुछ पौधे उधर निकल गए हैं। फिर से हमने इसको ढक दिया है, अब आपको अंदर से दिखाते हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो है, ये देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अब सब पौधे लगभग निकल आए हैं, अब इसमें निकलना बाकी नहीं रह गया है। देखिए अभी धूप है और ऊपर पॉली हाउस लगा हुआ है, देखिए ये पॉली हाउस लगा हुआ है बढ़िया से,
और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आप घर पे बना सकते हैं, जिससे हमने पॉलीथीन, नॉर्मल पॉलीथीन जो आती है, आप जब वहाँ जहाँ पॉलीथीन मिलती है वहाँ पे जाएंगे बताएंगे तो वो पॉलीथीन ऐसे ही दे देगा। ये पॉलीथीन लगा करके और आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई भी पौधे इसमें बो सकते हैं ठंड के समय में। अब देखिए आज ये लास्ट का वीडियो देखिए, इसको लास्ट में शूट किए हैं। ये देखिए भाई साहब कितने अच्छे से पौधे उग गए हैं, आप देख सकते हैं सारे पौधे हरे हरे हैं एकदम बिल्कुल। इसमें ना कोई बीमारी लगी हुई है, ना कोई कीड़े लगे हुए हैं, एक भी पत्ती इसमें कोई पौधे जो है जानवर नहीं खाए हैं पौधों को। देखिए दो दो पत्तियाँ इसमें, एक पत्ती निकल है, दूसरा पौधा दूसरी पत्ती भी निकलने वाली है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आपने देखा कि लौकी को हमने कैसे बोया है, उसकी देखभाल कैसे किया है, 2 महीने उसको हम कैसे रखेंगे, और 2 महीने बाद जब ठंडी ख़त्म होगी उसके बाद में जब गर्मी स्टार्ट होगी उस समय हम उसको खेत में लगाएंगे और उसमें कैसे फल आएंगे उसको दिखाएंगे। तो ये आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए